हेलो गाइस, मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे मेकअप प्रोडक्ट कौन से हैं और मैंने वो कहाँ से मंगाए हैं। कैन यू बिलीव दैट, मैंने आज तक ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं। मैं लिपस्टिक पर्सन हूँ और मैंने हमेशा अपने लिपस्टिक से ही सारा काम चला लिया है। मेरा ब्लश, आई शेडो सब कुछ लिपस्टिक से ही बन जाता था। तो मेरे पास थोड़े बहुत मेकअप प्रोडक्ट थे जो मैंने लोकल मार्केट से ही लिए थे, तो उससे ही मेरा काम चल जाता था। अब मैं मेकअप करती भी हूँ थोड़ा बहुत और मुझे शौक़ भी है, तो मैंने एक अच्छी जगह से मेकअप प्रोडक्ट मंगाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। और वो सारा प्रोडक्ट मैंने मंगाया है पर्पल से, जो कि अंडर 300 है, और मैं सबका प्राइस यहाँ नीचे मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये सारे अफोर्डेबल हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप शुरू कर रहे हैं या आपने अभी अभी सीखा है मेकअप, तो आप जा सकते हैं इसके लिए बिल्कुल। और चलिए शुरू करते हैं, इसको दिखाते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है गार्नियर स्किन नेचुरल्स का क्लिंजिंग वाटर, जो आता है 125 ml में। फिर मैंने मंगाया था ये गुड वाइब्स का स्किन टाइटनिंग फेस सीरम, जो ग्रेप सीड का है, नो पैराबिन और नो सिलिकॉन है। उसके बाद मैंने मंगाया था NYB का फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक, तो ये स्टिक फॉर्म में है। उसके बाद मैंने मंगाया था ये ब्लू हेवन का हाइपर मैट फाउंडेशन, जो SPF 25 P++ है और लिक्विड फॉर्मूला है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने मंगाया था ये प्राइमर ब्लू हेवन का, जो फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर है, ये ऑयल फ्री है। फिर उसके बाद मैंने मंगाया था ये ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर, ड्यूई ग्लो लुक सिल्क मैट इफेक्ट, ये 5 सेकेंड में क्विक ड्राई हो जाता है। उसके बाद मैंने ये मंगाया था NYB के ब्रशेस, जो कि बहुत ही अच्छे थे और ये बहुत ही फ्लफ़ी थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इनका ब्रश था। फिर मैंने मंगाया था ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, जो कि बहुत ही अच्छा था। और ये था लास्ट प्रोडक्ट, मैं सभी का प्राइस मेंशन कर दूँगी यहाँ पे। तो दैट्स ऑल गाइस, ये थे मेरे मेकअप प्रोडक्ट। आपको कैसे लगे कमेंट में बताना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।